अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वेलकम टू आवर हिंदी क्लास। तो बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं उस पाठ का नाम है साहसी मीरा, पेज नंबर 106। कुछ ही दिनों पहले मीरा व उसका परिवार दिल्ली से अलवर आया था। अलवर राजस्थान में एक छोटी सी सिटी है जिसका नाम है अलवर। मीरा के पापा का तबादला हो गया था। तबादला यानी ट्रांसफर हो गया था। पहले वो दिल्ली में काम किया करते थे, पर उनका ट्रांसफर अलवर में हो गया था। पापा ने पास ही एक स्कूल में मीरा का दाखिला करा दिया। दाखिला यानी उन्होंने उनके ऑफिस के पास ही, उनके घर के पास ही जो एक स्कूल थी, वहाँ पर मीरा का उन्होंने एडमिशन करवा दिया। मीरा चलने के लिए बैसाखियों का सहारा लेती थी। यानी बैसाखी यानी आप जब जिनके पैरों में तकलीफ होती है, तो जो इन दो बैसाखियों का इस्तेमाल करते हैं तो उसे कहते हैं बैसाखी। तो मीरा भी बैसाखी चलने के लिए बैसाखियों का ही उपयोग करती थी, सहारा लेती थी। अपनी इसी कमजोरी के कारण वह कम बोलती थी और जल्दी से किसी से दोस्ती भी नहीं करती थी। तो इस कमजोरी के कारण वो ना किसी से बात करती थी और ना ही किसी से उसे दोस्ती करना पसंद था। पहले दिन अध्यापिका ने कक्षा से मीरा का परिचय कराते हुए कहा, यह मीरा है, यह दिल्ली से यहाँ आई है। पुराना कार्य करने में सभी बच्चे मीरा की मदद कर दे। तो जो टीचर है, अध्यापिका है, उसने सभी बच्चों से मीरा का परिचय कराया, इंट्रोड्यूस करवाया मीरा को कि ये मीरा है और ये दिल्ली से यहाँ पर आई है। और जो इसका इनकम्प्लीट वर्क है, जो इनकम्प्लीट कार्य है, वो आप इसका पूरा करने में आप इस सब बच्चे इसकी मदद करना। सभी बच्चों ने हाँ में गर्दन हिला दी। मीरा ने कुछ बच्चों की मदद से अपना कार्य कर लिया। मीरा ने कुछ बच्चों से मदद ली और अपना पूरा पूरे बुक्स कंप्लीट कर लिए। मीरा एक बहुत ही समझदार लड़की थी। सभी अध्यापक उसकी प्रशंसा करते थे। प्रशंसा यानी तारीफ करते थे। वो बहुत ही समझदार और अच्छी बच्ची थी। लेकिन मीरा किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी, इसलिए सभी बच्चे उसे घमंडी समझते थे। लेकिन मीरा को किसी से बात करना पसंद नहीं था, इसीलिए सभी बच्चे उसे घमंडी यानी एरोगेंट एरोगेंट यानी सभी बच्चों को लगता था कि ये बहुत घमंडी है, ये किसी से मेल जोल रखने पसंद नहीं करती। कई दिन बीत गए, कोई मीरा से ठीक से बात तक नहीं करता था। एक दिन अध्यापिका ने बताया, कल सुबह हम सभी पिकनिक पर जाएंगे, सभी तैयार होकर समय से स्कूल पहुंच जाए। यहाँ से हम एक बस से निकलेंगे। तो एक दिन टीचर ने बताया कि कल सभी बच्चे समय पर स्कूल पहुंच जाए, कल हम सब पिकनिक जाने वाले हैं। बच्चे बहुत खुश थे। सभी पिकनिक पर खेलने खाने पीने की योजना बनाने में लग गए। यानी सब लोग प्लानिंग करने में लग गए कि कल हम क्या क्या खाने, टिफिन में क्या लेकर आएंगे, कौन कौन सी गेम हम वहाँ पर जाकर खेलेंगे। लेकिन मीरा अभी भी किसी से बात नहीं कर रही थी। सभी को लग रहा था कि मीरा पिकनिक पर नहीं आएंगी। तो मीरा किसी से बात नहीं कर रही थी, तो सभी को लग रहा था कि अब मीरा तो किसी से कुछ योजना नहीं बना रही है, किसी से कुछ प्लानिंग नहीं कर रही है, किसी से कुछ बात नहीं कर रही है, तो मीरा शायद पिकनिक पर नहीं आएंगी। धीरे धीरे सभी बच्चे स्कूल के बाहर वाले गेट के पास इकट्ठा होने लगे। मीरा भी समय से स्कूल पहुंच गई थी। मीरा को देखकर सभी बच्चे हैरान थे। 9 बजे तक सभी बच्चे व अध्यापिकाएं स्कूल पहुंच गए थे। बस भी आ चुकी थी। तो दूसरे दिन सभी बच्चे समय पर स्कूल पहुंच गए पिकनिक पर जाने के लिए, और मीरा भी आ गई। तो मीरा को देखकर सभी बच्चे दंग रह गए कि हमने तो सोचा था कि ये नहीं आएंगी, लेकिन मीरा भी पिकनिक के लिए आ गई। सभी टीचर्स और बच्चे सही समय पर पिकनिक जाने के लिए स्कूल में पहुंच गए थे। मुख्य अध्यापिका यानी प्रिंसिपल, मुख्य अध्यापिका ने सभी को बस में बैठने के लिए कहा। बच्चे उछलते कूदते बस में बैठ गए। बस पिकनिक स्थल की ओर चल पड़ी।
बस में बच्चे व अध्यापिकाएं हंसते गाते जा रहे थे। मीरा भी बच्चों से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। तो सभी बच्चे, जैसे ही प्रिंसिपल ने, मुख्य अध्यापिका ने कहा बस आ चुकी है, सभी बच्चे बस में बैठ जाइए, तो सभी बच्चे बस में बैठ गए, हंसने खेलने लगे, गाने गाने लगे। और मीरा भी कोशिश कर रही थी कि वो सबसे बात करे, लेकिन कोई उससे बात करने के लिए तैयार नहीं था। कुछ दूर चलने के बाद अचानक सभी को एक झटका लगा। अध्यापिका ने परेशान होते हुए ड्राइवर से पूछा, अरे क्या हुआ भैया? ड्राइवर हड़बड़ाते हुए बोला, कुछ नहीं मैडम जी, वो जरा मेरा ध्यान। तो अचानक से सभी को एक धक्का सा लगा। तो जो अध्यापिका है उसने ड्राइवर से पूछा कि क्या हुआ ड्राइवर भैया? ड्राइवर ने कहा, कुछ नहीं मैडम, थोड़ा मेरा ध्यान भटक गया था। फिर सभी अपनी मस्ती में लग गए। इस बार एक जोर की आवाज आई, बस सड़क के किनारे लगे एक पेड़ से टकराकर घाटी की ओर झुक गई थी। तो अब एक बहुत जोर से धक्का लगा, तो बस कहाँ पर एक जहाँ पर एक पेड़ था सड़क के किनारे, उस पेड़ पर जाकर वो घाटी यानी खाई के पास जाकर वो टकरा गई। बस में बैठे सभी बच्चे, अध्यापिका व मुख्य अध्यापिका डर के कारण चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तो जब ये हादसा हुआ, जब ये इंसिडेंट हुआ, तो सभी सभी टीचर, प्रिंसिपल, बच्चे सभी चिल्लाने लगे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। अचानक मीरा ने अपनी बैसाखी उठाई और बस के आपातकालीन दरवाजे पर जोर जोर से मारने लगी। आपातकालीन यानी जो इमरजेंसी के लिए दरवाज़ा बनाया जाता है उसे कहते हैं आपातकालीन। तो इमरजेंसी डोर यानी पीछे, ये बस के पीछे जो दरवाज़ा होता है उसे इमरजेंसी डोर कहते हैं। तो मीरा क्या करने लगी, अपनी बैसाखियों से इस खिड़की पर, इस दरवाजे पर मारने लगी, जिससे ये दरवाज़ा खुल जाए और मीरा सब बच्चे बाहर निकल आए। सभी मीरा को हैरानी से देख रहे थे। मीरा ने साहस जुटाते हुए कहा, आओ आओ, तुम लोग भी शीशा तोड़ने में मेरी मदद करो, हम सभी को साहस से काम लेना चाहिए। इतना कहना था कि कुछ बच्चों ने इधर उधर से कुछ सामान उठाकर बस की खिड़कियों पर मारना शुरू कर दिया। कुछ बच्चे मीरा की मदद में लग गए। सभी की कोशिश से आपातकालीन दरवाज़ा टूट गया। मीरा ने कहा, जल्दी से एक एक कर सभी इस दरवाजे से निकल जाओ, जल्दी करो। एक एक कर सभी बच्चे टूटे दरवाजे से बस से बाहर आ गए। तो जब मीरा ने अपनी बैसाखी से दरवाजे को मारना शुरू किया और सभी बच्चों की मदद से उसने उस दरवाजे को तोड़ दिया, और जैसे ही दरवाजा टूटा सभी बच्चे बाहर आ गए। बाहर निकलकर सभी ने राहत की सांस ली, सभी खुश हो गए कि हम बच गए, और मीरा के साहस व बुद्धिमानी की प्रशंसा की, और मीरा को सभी शाबाशी देने लगे उसकी बुद्धिमानी की, जो उसने हमें ये तरीका बताया कि हमें मुश्किल में भी हिम्मत से काम लेना चाहिए। धन्यवाद, मुख्य अध्यापिका ने मीरा को धन्यवाद देते हुए पुरस्कार देने की बात की। जो जो प्रिंसिपल है उसने मीरा को थैंक कहा, धन्यवाद दिया, और उसे पुरस्कार यानी प्राइज देने की बात की घोषणा भी की। मीरा खुश होते हुए बोली, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती थी, हम सभी ने मिलकर प्रयास किया, तभी हमें सफलता मिली। तो मीरा ने खुश होते हुए क्या कहा कि मेरे अकेले की मेहनत नहीं है ये, जब हम सब ने मिलकर काम किया तभी जाकर हमें ये सफलता हासिल हुई है, तभी हमें ये सफलता मिली है। तो बच्चों, आप लोगों को ये पाठ अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आप लोगों को पाठ अच्छे से पढ़ना है और इन प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को ढूंढने हैं। उसके बाद वाक्यों को पढ़ना है और सही गलत का आप लोगों को चिन्ह लगाना है कि कौन सा वाक्य सही है और कौन सा वाक्य गलत है। उसके बाद वाक्य पूरे करो, आप लोगों को सही शब्द लिखकर वाक्य को पूरा करना है। देन इन योर वर्कबुक पेज नंबर 20, उसके बाद इन योर वर्कबुक पेज नंबर 25, यहाँ पर आप लोगों को एक पैराग्राफ दिया गया है
और इस पैराग्राफ से रिलेटेड आप लोगों को कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो आप लोगों को इन प्रश्नों के उत्तर भी आप लोगों को इस पैराग्राफ में से ढूंढना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को प्रश्न दिए गए हैं और दो उसके ऑप्शन दिए गए हैं, तो सही उत्तर पर आप लोगों को सही का निशान लगाना है। सो स्टूडेंट, डू योर होमवर्क ऑन टाइम। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।